आपका बड़ा बेटा है कहाँ? इधर आइए जरा, मृदंग पकड़िए तो। तुम थोड़ा सा इधर हट जाओ, इधर आ जाओ, वो यहाँ आ जाएगा, बस वहीं पर बैठो, वहीं पर। अच्छा उन ये टीम बनी ना, उनको यदि यहाँ पर रख सको ना तो इससे मृदंग में माधुर्य ज्यादा है। शरद बिहारी विनोद बिहारी की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ज्ञानंजनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। न्यं प्रप्रजन्तमनुपेद्धमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नैमां चरणं तिपे। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में अपना पुनः पुनः प्रणाम जनाता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिसको साधारण रूप से लोग इन देशों में प्रभुपाद के नाम से जानते हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं और हमारे गुरु जी से संन्यास लिए हुए हैं। हमारा नाम भी भक्ति वेदांत नारायण है, उनका भी नाम था भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। हमने उनकी संन्यास की सारी प्रक्रियाएं मैंने की थी, अपने हाथों से उनको संन्यास दिलवाया था। किंतु हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं और मैं उनको अपना शिक्षा गुरु समझकर उनके चरणों में भी मैं अपनी लाखों लाखों दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो विदेशों में सर्वत्र सारे पृथ्वी में उन्होंने अपने गुरु जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जिससे कि संसार का सचमुच में कल्याण हो, इसलिए भारत से बिना एक पैसे लिए हुए ही पुरानी पोथी गीता की और करताल हाथ में लिए हुए यहाँ आए और यहाँ से फिर सारे अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि समस्त देशों में, विदेशों में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति के अतिरिक्त जीव का कल्याण होना बड़ा भारी कठिन है। शायद आप लोग सभी लोग हमारी हिंदी को समझते हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश में भी कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है? पीछे माइक क्या है और पास में करने को बोल रहे हैं, मुख में लगा तो भीतर में, तो फिर नहीं उसकी स्पीच तेज करो ना पीछे से। हिंदी बोलने से तो करीब करीब आप लोग सभी लोग समझ जाएंगे, ठीक? और यदि जरूरत होगी तो इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन मैं ही कर दूंगा या इन लोगों में से कोई भी कर देंगे। और हमारे साथ में दोस्त हु आर कमिंग विथ मी एवरीवेयर इन England, France and Holland here and there, always with me, they are hearing so much. So I request them to be satisfied by what I have given. Today I want to speak some, because I will be happy to speak in my mother tongue. Hello.
आजकल इस युग की कुछ समस्याएं हैं। सभी प्राणी, मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, जानवर, बाघ, सिंह, जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी लोग सुख चाहते हैं। सुख के लिए आप लोग भारत को छोड़ करके यहाँ पर आए, अपने पिता के घर को, स्वदेश भूमि को भी छोड़ करके, जो यहाँ पर कुछ अर्थ की प्राप्ति होने से हम लोग सुखी हो सकेंगे। सुख होने के लिए हम लोग तरह तरह के, बचपन से लेकर जीवन के अंत तक सुख के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं। एक चींटी भी दीवार पर उठती है, गिर जाती है, उठती है, गिर जाती है, किंतु कोई चीज खाने की लालसा से मिल जाएगा कोई चीज, इसलिए ऊपर तक उठने की चेष्टा करती है। मधुमक्खी जीवन सुखी बनाने के लिए कहां कहां से फूलों फूलों से थोड़ा थोड़ा सा रस लेकर के अपना छत्ता बनाती है, जो जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में हम सुख से रह सकेंगे। हम भी सुख के लिए जन्म लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, घर बनाते हैं, तरह तरह के विद्याओं में एक्सपर्ट होकर के जीवन निर्वाह के लिए चेष्टाएं करते हैं। सुखी होने के लिए हम लोग देश में पार्लियामेंट का गठन करते हैं, सभी हम लोग एक देशवासी सुख से रहें, विश्व सभी एक साथ में सुख से रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना की गई। सब देशों के बड़े बड़े विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग एक जगह मिल करके विचार करें कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं। कर्मण्यारो मानः दुःखते सुखाय च पश्येत् पाक विमुल विपर्यासं मिथुनैश्चारिणां। हम स्वयं दुख न हो और सुख मिले, इसके लिए हम अकेले भी चेष्टा करते हैं, सामूहिक रूप में भी चेष्टा करते हैं, सब देशों के मिलकर के लोग हम चेष्टाएं करते हैं, स्त्री पति और पत्नी मिलकर के भी चेष्टा करती हैं, फिर बेटे भी मिल जाते हैं, बेटियां भी मिल जाती हैं, इस तरह से सभी लोग सुख के लिए चेष्टा करते हैं, दुख न हो। हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, जितने भी हमारे इंडिवाउस हैं, सब इसीलिए होता है जो दुख न मिले सुख। किंतु होता है विपरीत, विवाह शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं है जो बूढ़ा न हो जाए। बचपन में बड़ा अच्छा लगता, किंतु जब कुछ बड़े हो जाते हैं, 50-60 वर्ष के हो जाते हैं, जब केश पकने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, शरीर में रोग व्याप्त हो जाते हैं, बुढ़ापा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। एक केश यदि पक गया तो उसको निकाल दिया, किंतु जबकि सारे पकने लगे तो फिर क्या करेंगे। एक दांत टूट गया तो एक ना तो सोने से बंधवा लिया, और यदि सारे दांत टूट गए तो एक दिन मरना भी पड़ता है। इच्छा के विपरीत शरीर को भी छोड़ देना जरूरी है। भगवान सत्य हैं कि नहीं, उसको हम लोग नहीं देखते हैं, किंतु ये दो चीज जरूरी है। एक बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे के पहले भी बहुत तरह तरह की समस्याएं आएंगी,
समस्याएं और आती हैं। हम चाहते हैं कि कैसे बुढ़ापा न आए, हम मर न जाए। हम सोचते हैं कि और तो सब मर गए, शायद मैं बचा रहूँगा। इसलिए सारी चेष्टाएं करके एकत्र करते हैं। जब मरने का समय होता है तो हाय हाय कर। हमारे सिकंदर का नाम आप लोग जानते हो, अलेक्जेंडर नाम था, अलेक्जेंडर ग्रेट भारत पर आक्रमण किया। जो सोने की चिड़िया है, सोने का अंडा देती है भारत, आक्रमण किया और वहाँ पर लोगों को परास्त किया। उसकी बड़ी अच्छी सेनाएं थी और उसने परास्त करके भारत से जवाहरात, हीरा इत्यादि, जो कहनूर हीरा कहलाया जाता है, न जाने कहाँ जहाँ जहाँ गया वहीं पर विपत्तियाँ आई और उसी के लिए छीना झपटी के लिए वो इसी को सुन करके आया था, ले गया। साथ साथ में बड़ी सुंदर सुंदर भारत की जो सुंदरियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, नई नई विवाहिता या कुमारियाँ थीं, उनको भी पकड़ कर ले करके गया और अच्छे अच्छे वैद्यों को वहाँ से ले आया। जबरदस्ती सोने के जवाहरातों से, डायमंडों से उसकी पिटारियाँ भरी हुई थी। जब बॉर्डर पर आया कश्मीर में कहीं बलूचिस्तान में, तो वहीं पर वो बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा जी वो ठीक नहीं हुआ। बहुत से वैद्य डॉक्टर इत्यादि वहाँ से अपने देश से भी लाया, ठीक नहीं हो सका। एकदम ऐसा हो गया जब मरेगा, आज अभी मरने वाला है। उसने कहा जब तो मैं मर रहा हूँ अब तो बचूंगा नहीं। एक बात करो, हमारा सारा दौलत जो हम लूट करके ले आए हैं, हीरा जवाहरात पन्ना इत्यादि सब को ले आओ, हमारी सेनाएं जनरलों के साथ में खड़ी हो जाए और जिन सुंदरियों को मैं जबरदस्ती पकड़ करके ले आया हूँ, अपने साथ ले जा रहा हूँ, उन सबको सामने खड़ा कर दो। उन्होंने कहा जी ये सारी सुंदरियाँ और ये सारे जवाहरात और डायमंड, ये सब और ये हमारे जनरल हैं, मैं सबको दे दूंगा यदि हमको एक दिन के लिए और आयु बढ़ा दे। जीवित बना दे तो वो तो बहुत दूर की बात है, और मुझे जो दर्द हो रहा है, मैं जो पानी नहीं घूट सकता, श्वास नहीं ले सकता, थोड़ी सी हमारी तकलीफ को कोई कम कर दे, मैं सारा सब कुछ लुटा दूंगा। किंतु कुछ नहीं कर सकता, मिनटों में फिर शांत हो गया, सारी चीजें की सारी चीजें रह गई, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका, उसको शांति नहीं दे सकी। ये समस्या है। आप खाना पीना किया, जीवन का निर्वाह किया, किंतु फिर एक दिन तो जरूर मरना है ना, उसके क्लेशों से हम कैसे बच सकेंगे। दूसरी बात, हम भी तरह तरह के, ये कंप्यूटर का युग अभी कहलाता है, इसके पहले तरह तरह के इन्वेंशन हुए, रसोई घर से लेकर और मेडिकल डिपार्टमेंट तक, इंजीनियरिंग तक, सब विषयों में बड़ी उन्नति हुई। ऐसी उन्नति हुई कि आजकल ऐसे विमान हैं जो हवा की चाल से चलते हैं और 400-500 आदमियों को लेकर के चलते हैं और थोड़ी ही समय में पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर में पहुंचा देंगे। और इससे भी गजब की बात हुई, बड़ी विचित्र बात हुई, वंडरफुल बात हुई कि अभी अमेरिका में यहाँ के प्रेसिडेंट क्विंटल बोल रहे हैं और इसके ठीक विपरीत वहाँ पर, जहाँ पर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, यहाँ पर 12 बजे का दिन है तो वहाँ दिन रात में 12 बजा है, और वहाँ के लोग भी टेलीविज़न और कैसे में अभी देख रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे पोज है। यहाँ क्रिकेट खेला हो रहा है तो वहाँ पर सब देख रहे हैं, यहाँ और कोई चीज़ हो रही है ना, अभी फुटबॉल आरम्भ होने वाला है वर्ल्ड का, सब देखने के लिए सब एकदम व्यस्त रहेंगे, सेकेंड में खबर पहुँचती है। इस तरह से किसी का यदि
हार्ट गड़बड़ हो गया तो उसको नया बदल देंगे, यदि जरूरत तो बंदर का भी हार्ट लगा देंगे, कुत्ते का भी मस्तिष्क लेकर के हमारे अंदर में जोड़ देंगे। ऐसी ऐसी विद्याएं सब हुई हैं। किस लिए? तुम्हारे कार्य अपने सुख के लिए हम लोगों ने किया है, यहाँ तक कि जानवरों को मारते हैं अपने सुख के लिए, यहाँ तक कि एटम बम बन और ये हाइड्रोजन बम किस लिए बना? किस लिए? कि हमारे कंट्री के लोग सुखी रहेंगे और भले ही सब ध्वंस हो जाए, ये सुख के लिए। विवाह शादी हम किस लिए करते हैं? मिल करके सुख से रहें। आज इन भैंसनों की बदौलत, इनके कारण बहुत सी चीज़ों में बहुत सी सुविधाएं हुई हैं, क्रांतिकारी ये सब काम हुए हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हुई हैं, किंतु एक चीज उल्टा हुआ, पति और पत्नी का प्रेम कम हो गया। आज पति का बैंक बैलेंस अलग, पत्नी का अलग, बेटे का अलग, बेटियों का अलग। क्यों? विश्वास नहीं करते एक दूसरे पर। सबसे न जाने क्यों परस्पर एक डाउट संदेह हो गया है। प्रेम का अब नामो निशाना नहीं रहा। पिता पहले घर गृहस्थी करता था, सोता था जी बुढ़ापे में हमारे बेटे और बेटियां हमें देखेंगी। आज वो ओल्ड हाउस होज में पेपर पढ़ते हैं बेचारे, दिन किसी प्रकार से इंतजार करते हैं, कहीं सुख नहीं। एक फ्लैट में कहीं शादी हो रही है और वहीं पर किसी का मरण हो रहा है, किसी का लाश निकल रही है, कोई सहानुभूति करने वाला नहीं है। इतना स्वार्थमय जगत हो गया है कि अब प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। जहां पर बेटों को और बेटियों को अस्पतालों में पालन पोषण किया जाए, मैया अपनी स्तन से दूध से नहीं पिलाएं, उसमें उनमें प्रेम का संचार कहां से होगा? निरस हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीजों के आविष्कार से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र बना, इसमें विभिन्न देशों के लोग हैं, न तो लड़ाइयां कमी, न संदेह कमा, न कुछ हुआ। इस सब का कारण क्या है? एकमात्र प्रेम है, प्रेम की कमी है। हमारे यहाँ हमारे देशों में प्रेम सस्ता था, बहुत सस्ता। घासों पर नहीं चलते थे इसलिए कि उसमें घासों पर वजन आ जाएगा, किसी जानवर को नहीं छूते थे, मारते थे। हमारे यहाँ महाप्रभु के समय में एक आदमी को कोढ़ हुआ, कोढ़ में कीड़े भर गए, कोढ़ समझते हैं लेप्रोसी, और उसमें कीड़े भर गए, सफेद सफेद लंबे लंबे मोटे मोटे कीड़े, और वो निकल रहे थे। कहता जी बेटे तुम क्यों निकल रहे हो, बाहर में जाएगा तो मर जाएगा, यहीं पर आ। और महाप्रभु ने जी उसको अंक में पढ़ लिया, ऐसा भी चित्र आदमी और एकदम सुंदर बन गया। किसी एक चींटी को भी मारना पाप समझते हैं, यहाँ पर प्रेम। इसलिए ये जो कि और कोई समस्या सुख की पाने के लिए नहीं, प्रेम का विकास होना चाहिए। प्रेम नहीं है परस्पर, कैसा पहले प्रेम था राम और सीता का, द्रौपदी का पांडवों के साथ में कैसा प्रेम था, सावित्री सत्यवान का कैसा प्रेम था, लाखों उदाहरण है इसके। जब इसने अपने पति के लिए अपना सर्वस्व, अपने प्राणों की बलि दे देती थी, और पति अपनी स्त्री के लिए सर्वस्व छोड़ देता था, दोनों एक होते थे। आज सुनते हैं कहीं कहीं कुछ ऐसे भी समाज हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि भगवान का
मंत्र जपने से, भजन करने से स्त्रियों के साथ में बातचीत नहीं, अपनी पत्नी के साथ में भी बात नहीं करोगे। पत्नी के लिए पत्नी से अलग हो जाओ, बेटे बेटियों से अलग हो जाओ, यह बहुत गलत बात है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। यदि ऐसा कोई कहता है तो शास्त्र विरोधी बात कहता है। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं, या किसी भी देश के संस्कृति में ऐसी बातें नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे तो क्या ऐसी बात है ये साधु सन्यासी जबकि सन्यास लेगा तब वो स्त्रियों से बातचीत करके स्त्री के साथ में रहेगा, वो बच्चा पैदा करेगा, ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा नहीं। किंतु कलयुग है घोर, ऐसे ही सब बातें सुनने में आती हैं। इसलिए हम प्रेम की शिक्षा कोई घर से देते हैं। चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, घर से। कैसे? पहले अपनी पत्नी से प्रेम करना सीखो, पहले पत्नी अपने पति से प्रेम करना सीखे। यदि एक बार दिल दे दिया पति को, अभी पिताजी ने ठीक किया कि रुक्मिणी तेरी शादी कृष्ण से करूंगा, और लाख बाधाएं आएंगी, रुक्मिणी मानेगी? एक बार जो दिल दे दिया, शादी नहीं उसके पहले से ही यदि ठीक हो गई, पक्की बात, बस हो गया, वो जीवन भर तक नहीं टूटेगी। ऐसा प्रेम होता था। एक कबूतर के लिए शिवी ने अपने यहां से काट करके मांस वजन करके दिया। एक समय इंद्र और धर्म परीक्षा करने के लिए शिवी के पास में आए, ये धर्म कैसा ये पालन करता है। तो एक बन गया कबूतर, एक बन गया बाज, इंद्र बन गए बाज और ओश धर्म बन गए कबूतर, और कबूतर खदेड़ता, कबूतर को खदेड़ता हुआ बाज आया और शिवी के गोदी में गिर गया, श्वास लेने लगा। इतने में बाज आया, बाज ने कहा जी भाई ये हमारा खाद्य है, नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, पाप तुम पर लगेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा जी हमारा शरणागत है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, भले ही अपना जान दे दूंगा उसको नहीं। और शिवी चाहते थे उसको मार डालते अपने बाणों से, किंतु बड़े भद्रभाव से उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्याज ने कहा जी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, जो इसका पाप किस कर लगेगा? कहा जी तो मैंने, अच्छा तब मैं अपने मांस को इसके वजन में बराबर लेकर के देता हूं, तुम खा लो। ये ठीक है, उन्होंने वजन यहाँ से जंघे से मांस काट करके कबूतर के वजन के बराबर दिया, किंतु वो घट गया। फिर उन्होंने उतना दिया, फिर उन्होंने जंघा चढ़ा दिया, फिर उन्होंने इसको भी काट दिया, फिर अपने हाथों को भी काट दिया, तभी नहीं हुआ तो अपने आप बैठ गए। एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए देखो तो ये प्रेम है ना। इसलिए परस्पर प्रेम ऐसा हो, ये प्रेम आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? हम इस चीज को अच्छी तरह से समझें कि हम जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं विश्व में, यहां तक कि पेड़ पौधे, उनमें भी जान है, प्राण है, उनके अंदर में भी प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर में ये प्रेम नहीं है, सब में। किंतु हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है, इस चीज को याद रखनी चाहिए। और हम एटर्नल सर्वेंट ऑफ द गॉड हैं, भगवान के हम नित्य दास हैं, पार्ट पार्सल हैं। नहीं तो हमें विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, हम लकड़ी और पत्थर नहीं हैं, हमें कुछ होश है, बुद्धि भी है, कुछ विचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो विचार नहीं कर सकते, विचार कर सकते हैं। इन्हें विवेक का विचार जो भगवान ने दिया है उसको व्यवहार में लाना चाहिए। इसलिए यदि भगवान के साथ में हमारा प्रेम होगा तो अपने आप सब जीवों पर हो जाएगा, तब जीवों से प्रेम होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए पहले हम शुद्ध हों,
हमारे अंदर में प्रेम है, ऐसा कोई भी प्राणी है जिसके अंदर में प्रेम नहीं? छुई मुई का एक पौधा होता है, देखा आप लोगों ने, हाथ से स्पर्श करने से वो सिकुड़ जाता है, छोड़ दो फिर वो हो जाता है। उसमें भी सेंसेशन है, सुख दुख की अनुभूति है, इसलिए हमारे अंदर में भी प्रेम है, किंतु अभी तक स्वार्थ है, अपने में सीमित रहते हैं। यदि आज अमेरिका से इंडिया का युद्ध लग जाएगा तो हमारे इंडिया वाले सभी लोग इंडिया का पक्ष लेंगे, यदि कुछ नहीं कर सकेंगे तो भीतर से भी इंडिया के लिए कुछ भावना रहेगी। यदि इंडिया में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस से लड़ाई हो गई तो हम अपने प्रोविंस को प्रायोरिटी देंगे, यदि एक प्रोविंस में भी अपने गांव से दूसरे गांव से लड़ाई हो गई तो अपने गांव को देंगे, अपने गांव में भी अपने बाप बेटे अपने परिवार से दूसरे की लड़ाई हुई तो अपने परिवार में आ जाएंगे, और अपने परिवार में भी यदि हमारी स्त्री से और परिवार वालों हमारे भाई की स्त्री का झगड़ा होता है या भाई का, तो अपनी स्त्री का पक्ष ले लेंगे, बेटे से और मैया से झगड़ा लगता है तो हम अपनी पत्नी का ही पक्ष लेंगे, ऐसा ही उचित है क्योंकि उसकी अर्धांगिनी है। और यदि पत्नी में और हम में झगड़ा होता है तो क्या करेंगे? अपना पक्ष लेंगे, अपना पक्ष। किंतु अपने शरीर में ही यदि किसी का हाथ सड़ रहा हो और डॉक्टर ने परामर्श किया कि ये नहीं काटने से तू कल मरेगा, गैंग्रीन या क्या कहते हैं हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हाथ को काटेंगे कि नहीं? हाथ को काटेंगे। यदि हमारी आत्मा सुखी नहीं हो रही है, बड़ी विचलित हो रही है, तो हम इस शरीर को भी छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, किस लिए? अब इतना दुख नहीं सहा जाता इस शरीर से, शरीर को भी छोड़ देते हैं। इस शरीर में दो चीजें हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है। परमात्मा के ही हमारे मूल हैं, इसलिए सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रेम जरूर है, इसलिए वहां तक अब अपने तक आया, मैं अपने लिए सबको छोड़ सकता हूं, शरीर भी छोड़ सकता हूं। मैं कौन हूं? ये शरीर नहीं है, पहले बेटा बेटी हो ये समझो, ये जो शरीर दिखाई पड़ता है ये हाड़ मांस का एक शरीर है, कपड़ा है। जितना भी तुम करो एक न एक दिन जरूर इसे छोड़ना है, जरूर छोड़ना है। इसलिए इस जगत में आकर के यदि हमने इसको थोड़ा सा भी रियलाइज किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये दुख जाने में भी इच्छा करने पर भी क्यों नहीं जाता? हम इच्छा करते हैं कि हम सब समय 21-22 वर्ष की किशोरी बनी रहें और हम वैसे नौजवान बने रहें, किंतु हो नहीं पाता। अस्पतालों में हम जब जाते हैं तो केवल भीड़ लोगों की, कोई कैसे रो, कोई किसी का रो, किसी का चल नहीं पाता, कोई कुछ है कोई कुछ है, लाखों तरह के। वहां पर जाएंगे तो नरक का थोड़ा सा देखाएंगे, ये कैसा नरक होता है, काट रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए पहले हमको रियलाइज करना होगा कि मैं कौन हूं, पहला ये प्रश्न। यदि शरीर ही सर्वस्व है तो शरीर को सुखी करने से तो हम सुखी हो जाते, किंतु नहीं होते हैं, इसलिए हम शरीर नहीं है, पहली बात तो ये। एक छोटी सी कहानी आपको बतलाऊं। एक कोई राजा थे, बहुत धनी आदमी, उनके घर में कोई संत गए, उन्होंने कहा भाई मैं राजा से मिलना चाहता हूं एक सेकंड के लिए। दरबान ने कहा जे ठहर जाइए, मैं अभी खबर दे रहा हूं। उन्होंने खबर दी राजा को, राजा ने कहा जब आया है तो कुछ मांगने के लिए जरूर आया होगा, उसको कह दो जो आज नहीं दो दिन के बाद में उसको डेट एक दे दो। अच्छा आप परसों आएंगे। फिर परसों गए, फिर कहा जो वो आ गया, फिर
अच्छा उससे कहा तो आज मुझे समय नहीं है, परसों फिर मिल जाएगा। तो तीन चार दिन ऐसे ही उनको लौट आया। चौथे दिन वो आया, जब राजा नहीं मिले तो उसने कहा जैसे ये नहीं मिलेगा, इसका हृदय पत्थर जैसा है। उनके पत्नी के पास में खबर भिजवाया, महारानी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक मिनट के लिए। उनका हृदय थोड़ा सा दयालु था, उन्होंने बुलाया और बुला करके महात्मा जी किस लिए आपकी क्या सेवा करूं? तो सेवा नहीं कुछ करनी है माता जी, मैं ये कहने के लिए आया कि राजा बहुत अच्छे हैं किंतु उनका अंतिम दिन 15 दिन में आ रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, इसलिए 15 दिन के बाद में अब जीवित किसी तरह से नहीं रह सकते हैं, ये जरूर मरेंगे उस दिन, इसलिए आप लोगों को जो कुछ करना है कर लीजिए। ये कह करके वो तो बड़ी विचलित हो गई, होश आवास उड़ गए और ये उठ करके वहाँ से चुपचाप चले आए महात्मा जी। अब उसने राजा को उसी समय बुलाया, राजा एक सेकंड की देरी नहीं की, इनके लिए तो 7 दिन में नहीं मिले किंतु वहाँ पर मिनटों नहीं लगे और मिल गए। क्या बात है, क्यों बुलाया हमको? तो ये महात्मा एक आए थे, वो बिना बुलाए बोले कि हम मैं तो एक बहुत ज्योतिषी हूँ और आप जरूर 15वें दिन मरेंगे, ये कहने के लिए मैं आया था जी, आपको जो कुछ करना है कर लो। तो वो कहाँ गया? न जाने कहाँ चले गए, वो तो चले गए। खोजवाया, तिलक होगा, सिर पर केश उड़े हुए होंगे, गले में तुलसी माला होगी, हाथ में माला होगी, हरे कृष्ण कह रहा होगा, जरा खोजो तो, कहीं गया नहीं होगा जरूर, अभी आई 1-2 घंटा तो हुआ, जरूर कहीं होगा। और बस खोजवाया तो कहीं मिल गए, मिल गए तो उनको बुला करके लाया। आपने कहा जे मैं 15 दिन मर जाऊँ, निश्चित मरेंगे ही, कोई रक्षा नहीं कर सकता, मैं एकदम देख रहा हूँ, नहीं हो तो हमको यहीं पर कैद करके रख दो, देखो जे क्या होता है। तो मैं क्या करूँ, सारा जीवन तुमने कमाई किया अपने सुख लिए, अब तुम चिंता करके देखो, तो बड़े बुद्धिमान हो, विद्वान हो, अब ये ठीक करो, ये तुमको क्या करना है, नहीं आप बतलाइए क्या करो। तो मैं तो ये देख रहा हूँ ज्योतिष विद्या के द्वारा जैसे तुम्हारा स्वर्ग में जाएगा, अच्छे अच्छे काम किए हैं, माता पिता की सेवा की है, दरिद्रों की सेवा की है, सब कुछ काम किया है, अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए आपको स्वर्ग होगा। किंतु स्वर्ग में एक चीज़ की बात है, वहाँ सब सारे सुख आपको उपलब्ध होंगे, आयु भी बड़ी लंबी होगी, सब कुछ होगा, किंतु वहाँ पर आजकल कुछ मच्छर हो गए हैं और उन मच्छरों से काटने से यहाँ स्वर्ग में भी मलेरिया होने की कुछ संभावना है, इसलिए वहाँ पर मच्छरदानी ही बड़ी सुनहली है, बहुत सुंदर, किंतु उसका एक कोना कुछ फटा हुआ है, यहाँ से बस वहाँ पर सुई और धागा नहीं है और बाकी सब कुछ है, आप यहाँ से सुई और धागा लेकर के आपको जाना है। धागा कैसे ले जाऊँगा? तो आपने इतना सारा जीवन 100 वर्ष तक जीवित रह करके इतना कमाया, इतना सब कुछ किया, क्या क्या किया, राज्य का शासन किया, और एक सुई धागा उसमें से लेकर के नहीं जा सकते, ये कैसे हो सकता है? मैं शुद्ध होया तो नहीं ले जा सकता, अब मैं क्या करूं? सचमुच में वो मरे किंतु जो सुई धागा नहीं ले जा सकता इस जगत में, इतना जो किया, भारतवर्ष भी छोड़ करके यहाँ आए या यहाँ वाले वहाँ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी गई इंडिया में और सारे इंडिया को कैप्चर कर लिया, क्लाइव आए और हेस्टिंग्स आए, कौन कौन आए, और जिनका सूर्य, जिनके राज्य में सूर्य कभी नहीं डूबता, आज कहाँ गए? तो हम लोग एक सुई धागा भी नहीं ले जा सकते हैं, इतना कमा रहे हो, वो बेटे और बेटियां भी हैं ना, अंत समय में उनकी शादी कर देगी, वो भी फुर्र उड़ जाएंगे, वो तुम्हारे तरफ में नहीं देखेंगे, उनको फुर्सत नहीं होगी कि आपको एक ग्लास पानी दें, फिर तो क्या किया? इस पर गंभीरता से सुन, उन्होंने कहा जैसे यदि बेटा यदि बचना चाहता है, यदि वहां पर भी मरने के बाद भी सुखी रहना चाहता है, तो एक चीज मैं तुमको बतलाऊं, करेगा तो हाँ, बस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
यदि जीवन में एक बार भी यदि उसने कहा हृदय से, एक बार भी यदि हृदय से भी नहीं हुआ, आभास भी नाम का हो गया किसी प्रकार से भी, आपने नहीं कहा, किसी दूसरे ने भी कह दिया, कान में आ जाएगा, तो ये गारंटी है शास्त्रों की, सबकी, और अनुभूति की बातें हैं, जरूर उसका दिन लौट आएगा, वो सुखी रहेगा। फिर वो जन्म मरण के इस डोरी से जो बंधा हुआ है वो सदा के लिए वो सुखी हो सकता है, बस एक ही उपाय, इसी के द्वारा वो जो भगवत प्रेम है वो रिफाइंड होकर के भगवान के चरणों में लगेगा और सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, परस्पर सभी सुखी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हुई थी। आजकल इसको लोग उल्टा समझ रहे हैं, इसमें दोष देख रहे हैं, दोष कुछ पैदा कर दिया है, इसमें छोटा बड़ा का होने लगा, जी ये डोम है, ये चमार है, ये मेतर है, ये अस्पृश्य है, ये ऐसा है, इसके लिए नहीं बना था। हाथ यदि टट्टी धोता है तो इसलिए शूद्र नहीं बन गया। चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से समाज को संकलित करके भगवान की तरफ में बढ़ने के लिए किया गया था। जैसा कि ये समझे कि मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा सहज सुखी राशि है, कभी मरता जन्मता नहीं है, किंतु अपने को उसने मान लिया कि मैं अब शरीर, क्यों, जब ही भगवान की सेवा को कोई छोड़ करके अपने ऊपर में सेंट्रेट केंद्रित हो जाता है कि मैं सुखी रहूंगा, मैं सुख भोगने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं डूअर हूं, मैं कवि हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं दार्शनिक हूं, मैं विद्वान हूं, यहां ये मैं आया, अहंकार आया, फॉल्स एगो आए, बस सब चौपट हो जाता है। यहां पर यह आया कि मैं भगवान का दास हूं, कृष्णदास हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये भाव जाएगा, ये भाव होना चाहिए, मैं कृष्ण का दास हूं। जहां ये भाव आया और देखेंगे जी आप लोग सुखी होंगे, मैं करने वाला नहीं, मैं तो एक सेवक हूं, इस संसार में आया हूं, हमारी पत्नी भी कृष्ण की सेविका है, हमारे बच्चे भी कृष्ण के सेवक हैं, इससे उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, तो इससे भगवान प्रसन्न होगा। मैं उसका जन्मदाता नहीं हूं तो और क्यों नहीं जन्म दे देते, और लोग, जन्म देने वाला वही है, पालन पोषण करने वाला वही है, वही सर्वस्व, बस संसार में उसके नौकर रह करके और सेवा कीजिए, उसका जो प्रसाद है आप आइए खूब आनंद से रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उनके ऊपर में दे दीजिए, इसी का नाम शरणागति है। गीता का पहला है, भक्ति का दरवाजा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस श्लोक को याद रखें, इनके विचार श्लोक याद न रहे, हे प्रभु मैं तुम्हारा शरण, मैं तुम्हारा एक छोटा सा किंकर दास हूं, आपके शरण में आ गए, जहां ये भाव आया बस भगवान उसकी दया सब उस पर हो जाएगी, जन्म मरण से सदा के लिए निकल करके सदा के लिए सुखी हो जाएगा, एकदम पूर्ण विश्वास रखो। भारतीय संस्कृति का यही मूल मंत्र है, तब देखेंगे ये आप लोग सब सुखी हो जाएंगे। बस यदि पुराण मंत्र नहीं आता हरे कृष्ण हरे, इतना आप उसमें से राम राम कहिए, अरे राम राम सीधा नहीं आता है तो मरा मरा भी कहो, देखो जो मरा मरा कहने से भी राम राम आ जाएगा। आप केष्ट कहिए, कृष्ण कहिए, काना कहिए, काला कहिए, कोई भी शब्द कृष्ण के लिए निकलना चाहिए, बस भावना शुद्ध हो, भाषा का अंतर वहां पर कुछ नहीं। दक्षिण प्रदेश में कृष्टो या क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण, उड़ीसा में कृष्ण, हम लोग कृष्ण कहते हैं, कोई किशन कहते हैं, कोई मोहन कह लेते हैं, कोई काला भी कह लेता है, भावना जाति रही भावना जैसी हरि मूर्त देखा, इसलिए एक नाम होना चाहिए। वो शुद्ध भी नहीं है तो कोई भी बात नहीं है,
भावना शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए जगत में ये प्रेम चीज है, लव है, अफेक्शन। चैतन्य महाप्रभु इसी को देने के लिए आए और क्या किया, जंगल में देखा सिंह भालू उनके पीछे पीछे लग गए और आगे से कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। उनके पीछे से जंगल में भालू बाघ सब पैर घुटने टेक दिया और सिंह उठा करके हाथी कृष्ण कृष्ण कह करके पागल हो गया। हिरण उनके पीछे पीछे दौड़ने लग गए। मनुष्य की तो बात क्या, लाखों लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। उन्होंने जीवन को एकदम पलट दिया। रहा जीवन यही, स्त्री पुरुष बाल बच्चे वाले ही रहे या सन्यासी जैसे भी रहे, जो जहां है वहीं से भगवान का नाम करके और सागर को। इसलिए बतलाया हरे नाम हरे नाम हरे नाम अव केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्ते। हरे नाम, हरे नाम मैंने क्या, हरि नाम, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही एकमात्र गति है, एकमात्र गति है, एकमात्र गति है, दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं। इस चीज को समझिए। अब ये हरि कौन है, ये बड़ा भारी मुश्किल। शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, कि रामचंद्र हैं, कि नृसिंह भगवान हैं, कि अल्लाह हैं, कि खुदा हैं, ना बौद्धों के शून्य हैं, ना क्या ये चीज है हरि, जो देखने से ही अपने चित्त को हरण कर लेते हैं। इतने सुंदर हैं, इतने सुकंदित हैं, इतने बड़े दयालु हैं, इतने पावरफुल हैं कि जो उनको एक बार भी उनका नाम लेगा, उनको एक बार देख लिया था तो कोई बात ही क्या। मन में यदि ध्यान भी लगाया, अजामिल और कुछ नहीं कर सका मरते समय, क्या किया, अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, नारायण नारायण नारायण। अभी मरा, चौंक उठा देख करके जमदूतों को, एकदम डर गया और एकदम त्रस्त हो गया, पैखाना पेशाब निकलने लगे, होश नहीं रहा, बेहोश, नारायण नारायण एकदम झटका उठा और हो गया क्या, नारायण ने कहा वो हमारा नाम पुकारता है, इतने बड़े दयालु, और झट अपने दूतों को भेज दिया, उनको उन्होंने जमदूतों को मार करके भगा दिया। उसका डायलॉग जो है भागवत में, ये सब चीजें असत्य नहीं है, परम सत्य है, इस चीज को समझेंगे। अभी यदि साइंटिस्ट लोग आज के यदि थोड़ा सा और ऊंचे थोड़े से उठ गए बम बनाने के बदले और ऊंचे उठ गए, अभी तो ये शरीर पर देख रहे हैं, किंतु आत्मा क्या है, इस पर यदि किसी प्रकार से और उठ गए और हमारी भारतीय पद्धति का ग्रहण किया, हम सुनते हैं हम कहाँ तक ठीक है या बेठीक है, ये एटम बॉम्ब की पैदाइश हमारे वेदों से ही हुई, हिटलर इत्यादि ने इसके क्लू इसके ये सब खोज करके उससे लिया, वेद मैक्स मूलर ले गया जर्मनी में विशेष करके, उसे अनुसंधान हुए, यह भी अनुसंधान हुआ, विमान कैसे बने यह भी अनुसंधान किया गया, रामायण में लिखा है रामचंद्र जी हिरण के पीछे दौड़े मारने के लिए, सीता जी ने कहा जी उसका मृग चर्म चाहिए, नहीं तो वो मृग ही पकड़ करके लाइए। राम ने लक्ष्मण जी को कहा जी जरा यहाँ पर आना, पहरा देना, कोई गड़बड़ ना हो जाए, चारों तरफ में असुर लोग हैं, बड़े योग विद्या और बड़े साइंस जानने वाले हैं, कोई मिराकल कर देंगे, इसलिए सीता जी की रक्षा करना, वो कभी बंदर का वेश बना लेंगे, कभी बैल का, कभी घोड़े का, कभी हिरण का, कभी कुछ कर लेते हैं, बड़े इतने अभी तक साइंटिस्ट लोग अभी ये तक नहीं कर सके हैं, ये एक सेकंड के अंदर में कोई हिरण बन जाए, कोई मनुष्य आकाश में उड़ने लगे शरीर से, अभी तक नहीं हुआ, हो सकता है कि आगे ये कुछ और बढ़ जाए और तब आत्मा का अनुसंधान कर सकते हैं। तो उसमें रामचंद्र जी हल लक्ष्मण को भी चलाकी से वहां से हटा दिया गया, मारिच वहीं से जहीं बाण लगा वहीं पर हा लक्ष्मण रक्षा करो
रक्षा करेंगे। हाँ लक्ष्मण, और राम के शब्दों में बोला, ऐसा नकल किया और सीता जी ने उन्हें गाली गलौज करके उसको भेज दिया। लक्ष्मण की जाने की इच्छा नहीं, उन्होंने एक अपने धनुष के नोक से एक लाइन बनाया, इस लाइन के बाहर में मत जाना, इसी के अंदर में रहना। और जब वो चले गए तो इतने में रावण सन्यासी त्रिदंड, हम लोग जैसे दंड रखते हैं त्रिदंड, वैसे ही बड़ी बड़ी मालाएं लेकर के, तिलक करके और बड़ी बड़ी जटाएं और ये सब लेकर के वहां पर आया। भिक्षांग देही, भिक्षांग देही, और जब फिर भी नहीं हुआ, भिक्षांग देही जोर से। सीता जी भीतर में थी, दरवाजे से झांक करके देखा, कोई साधु सन्यासी, अरे हमारी बात नहीं सुनती, भिक्षा लाओ। उन्होंने घर में कुछ फल फूल थे, महात्मा जी आप ले जाएंगे। उसने पहले चेष्टा की घुस जाऊं अंदर, किंतु जब ही वो लाइन पर पैर देता है तो ही उसमें से आग निकलने लगती है, विद्युत पैदा होती है। उत्तम रक्षा ये थी कि लकड़ी का खड़ाव पहने हुए था, नहीं तो तब तब खत्म हो जाता है, इसलिए बच जाता था, इसलिए पीछे लौट जाता था, नहीं जा सका। तब सीता जी को डराया, धमकाया, जो नहीं आएगी तो तुम्हारा पति भी मर जाएगा। इसलिए सीता जी जो ही बाहर आई, बाहर से लेगा, भीतर नहीं घुस सका। ये कौन सी ऐसी चीज है जो वाल्मीकि रामायण इत्यादि में लिखी हुई है, जो कि रावण जैसा शक्तिशाली और मंत्रों को जानने वाला भी भीतर में नहीं प्रवेश कर सका, इसके अंदर में क्या चीजें हैं? तो पश्चिम के लोग आजकल कुछ साइंटिस्ट हैं ना, गवेषक हैं, इसलिए चिंताएं करते हैं कैसे ऐसे हुआ, और धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहे हैं और हम अपनी विद्याओं को धीरे धीरे खो रहे हैं। खो के इसलिए रहे हैं, इसलिए कि इस इन विद्याओं से शांति और सुख नहीं है। आप देख रहे हैं सुख शांति किसमें है, किसमें है? एक परा विद्या है, भक्ति और प्रेम की विद्या है। अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो घर में नहीं सुखी रह सकता है, बाहर कहीं भी नहीं सुखी रह सकता है। इसलिए इससे सब चीज ध्वंस होगा, इससे सुख और शांति नहीं होगी। केवल आत्मविद्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम लोग सुखी और शांति रह सकते। कठिन नहीं, अरे एक बार सवेरे काम पर जाने के पहले हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे क्यों नहीं कर सकते? पैसा की जरूरत नहीं है, नौजवानी की जरूरत नहीं है, विद्या की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, अरे सिर नहीं झुका सकते तो ऐसे कर, ये भी नहीं है तो हरे कृष्ण का बोल दो, इसमें दिन रात का कोई प्रश्न नहीं है, कोई विद्या का प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न नहीं है। आप कल से ही करके आरंभ करके देखिए, आप 10 दिन के बाद में सुखी होते हैं कि नहीं। किंतु एक शर्त है, और सब विद्याओं में भी शर्त होती है। आजकल मिलिट्री में देखेंगे सबको ड्रेस एक समान पहनना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस के जो काम करते हैं उनके लिए एक अलग से ड्रेस होती है, पुलिस में अलग से ड्रेस होती है, बच्चों के लिए भी आजकल ड्रेस बनने लगे हैं। आजकल गरीब आदमी को पढ़ाना जरा इंडिया में बड़ा कष्टकर है, क्योंकि उनको सबको एक समान ड्रेस करना पड़ रहा है। तो कुछ कुछ शर्तें होती हैं, इसमें शर्त क्या है? कुछ है, कभी जुआ मत खेलो, किसी भी प्राणी को तनिक भी मन से तन से वचन से कष्ट मत दो, विशेष करके मारना हिंसा करना ये ठीक नहीं। और दूसरे की स्त्रियों को, माँ बेटी या बहन देखो, इन तीनों के अतिरिक्त मत, अपनी स्त्री को स्त्री समझो, उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार रखो। ऐसा नहीं कि 10 बार जीवन में 15-20 बार बदल लिया, ऐसा नहीं, जीवन में सुखी रहो इस तरह से। इस तरह से हम भगवान की तरफ में बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहले सोचिए, जैसे ये मैं नहीं हूँ शरीर, मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। इस जगत में हम आए हैं केवल आत्म रियलाइजेशन के लिए। खाना पीना एक कुकुर गधे को भी मिल जाता है, गधे को भी गधी मिल जाती है, और गधी को भी गधा मिल जाता है, सुअर को भी सुकरी मिल जाती है, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है।
जीवन का निर्वाह करना भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब बतलाइए हम ही लोग क्या करते हैं अपने जीवन के निर्वाह के लिए? हम मैं कुछ नहीं करता, और हमारे आश्रम में या जहाँ भी जाता हूँ 200-400 आदमी भोजन पाते ही रहते हैं, किसी की चीज़ की असुविधा नहीं। इसलिए आप लोग परीक्षा करके देखिए, ये चार चीज़ों को छोड़ करके, जीव हिंसा, शराब पीना या धूम्रपान, ये सब चीज़ें छोड़ करके, धूम्रपान, शराब पान, तंबाकू, चाय इत्यादि भी सभी उसी का उपायजन है। इसलिए उसमें जीव हिंसा तो नहीं है, किंतु उसे विकृति हो जाती है, उसमें तरह तरह के पॉइजन होते हैं। अभी अमेरिका में हमने सुना जी प्याज के अंदर में कितना 21 प्रकार के विष हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकार ने ये विचार करके कहा, बिना हम चाय के या पान के या सिगरेट के हम जीवित नहीं रह सकते। रह सकते हैं, खूब अच्छी तरह से रह सकते। इसलिए द्यूतन जुआ, द्यूतन पानम, धूम्रपान इत्यादि, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ें, और स्त्रियम, स्त्रियम, प्रत्येक स्त्रियों को माता, बहन या कन्या समझो, उनको आदर दो। उनको यदि आदर नहीं देगा तो तुम सुखी जीवन में नहीं हो सकेगा। चैतन्य महाप्रभु तो अपनी मैया का आदर दिया सन्यास लेने के बाद भी, क्योंकि नहीं किया ना, इस तरह से समझिए। और द्यूतम पान इतम असुना, पाप मत करो। हिंदी में होता है या संस्कृत में मांस, मांस समझते हैं ना, मीट, मांस माने मांस खादति, जिसको मैं अभी खा रहा हूँ वो कल खाएंगे हमें। मैं समझता हूँ कि ये मीट जो है ये लैटिन भाषा है, अंग्रेजी का भी उद्गम, इसलिए मीट माने मी ईट, मैं जिसको अभी आज खा रहा हूँ, दे विल ईट मी, ऐसा समझिए। ये समाज समारी भाषाएं जो हैं पहले की, ये सब एक रूट है संस्कृत, समस्त भाषाओं की जननी ये संस्कृत है। हम उसे छोड़ करके आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है, हम दुखी हैं, इसलिए हम चीजों को छोड़ करके, और यदि थोड़ा सा भी हरि नाम किया, एक बार भी जाते समय ऑफिस में अपने काम के समय में एक बार भी हरि नाम करो, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। शाम को आ जाओ, मैं बहुत अच्छी तरह से लौट करके आ गया, आज कोई एक्सीडेंट नहीं हुई, नहीं तो हम दिल्ली से मथुरा जाते देखते हैं कि 50 एक्सीडेंट में कितने आदमी मरे घर। अभी कहीं एरोप्लेन से जा रहे हैं नहीं, न जाने कहाँ एक्सीडेंट। हम आश्चर्य नहीं जो अभी तक हम बचे हुए हैं, भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, बाल बच्चे भी दिए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। इसलिए इस कृपा को लगाते हुए भगवान का नाम करें और नियमों को पालन करते हुए देखिए जीवन में जरूर आप लोग सुखी रहेंगे। गौर प्रमाण कीर्तन कर दीजिएगा, आरती की व्यवस्था है ना? हाँ, आरती व्यवस्था है, क्या करें, आप लोगों को तो याद नहीं है कि है नमामि नंदनंदनम, यू कैन डू, वो कहाँ है प्रेम प्रयोजन, नमामि नंदनंदनम, 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 नमामि सुचारु वक्र मंडलम, सुकर्ण रत्न कुंडलम, सुचर्चितांग चंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, सुदीर्घ नेत्र
माताएं, आज हम वृंदावन में बैठ करके मैं प्रवचन कर रहा हूँ। एक महीने से मैं छटपट करता था जो हिंदी में बोलूं, मुझे एक दिन भी सुयोग नहीं मिला। आज
मैंने हिंदी में अभी आरंभ किया है, कल से श्रीमद् भागवत पर कथा होगी, बड़ी प्यारी होगी, बड़ी रसीली होगी और उसमें बड़े सुंदर उपदेश होंगे, आप लोग जरूर उसमें आएंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आए हैं। पिछली बार आया था किंतु आप लोगों से हमारी भेंट नहीं हुई, किंतु अब इस बार आने पर देख रहा हूँ आप लोग आए हैं और से नए नए हैं। आप लोग सुनेंगे, अपनी संस्कृति वैदिक रीति जो है वो ठीक रखेंगे। और यूँ तो हमारा सब संसार एक ही परिवार है, किंतु विशेष करके आप लोग कहीं भी रहेंगे अपनी संस्कृति को कहीं भूल मत जाइए। जिस रूप में रहें, खाएं, पिए, कमाइए, अपने परिवार के साथ में रहिए, किंतु अपनी संस्कृति में भगवान का नाम ये नहीं भूलना है। कभी मद्यमांस इत्यादि में डूब करके अपनी संस्कृति को खोना नहीं। अपने माता पिता का जरूर आदर करना है, पत्नी के साथ में प्रेम पूर्वक, बच्चों के साथ में व्यवहार भी करना है। साधु है तो अपने साधु के समान रहे, फिर लैस पैसे में न लटपटाए। विशेष करके डुप्लिसिटी राजनीति विशेष करके साधुओं के लिए शोभा नहीं पाती, तो फिर छोड़ने की क्या जरूरत होती है। इसलिए ये सब चीज़ों को सबके साथ में प्रेम रहे, सभी हमारे परिवार के हैं, कोई विभाग हम लोगों को नहीं देख रहे, सब हम एक हैं, सभी हम लोग सब लोगों का कल्याण करना। यदि हम साधु मिलकर के यदि लड़ें जो सन्यासी हैं, तो लाठी ये जो सन्यास दिया गया था लड़ने के लिए, ये दिया गया था अपने मन को दंड देने के लिए, तब वो सन्यास अपने मन को दंड दे, दूसरों को नहीं। तो हम कल से हम लोग आरंभ करेंगे, आप लोग सब योगदान करेंगे, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। हम अपने भाइयों के साथ में, अपनी बहनों माताओं के साथ में हम यहाँ प्रसाद दिन मिल करके कुछ भगवान की अनुशीलन किया, कुछ भक्ति किया। आरती कीजिए। गौर प्रेम नंदे, जय जय राधा कृष्ण। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और प्रसाद ले करके तब जाएंगे। एक सेकंड अरे वो विष्णु कहाँ गया, थोड़ा सा बोल देते।